लड़के के आने का टाइम हो गया है, सब कुछ तैयार है ना? हाँ 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 सब तैयार है। जल्दी करो जल्दी करो, साफ करो साफ करो, सब कुछ साफ होना चाहिए। जल्दी कीजिए, शायद वो लोग आ गए। चलो आगे आगे, दरवाजा खोलो, मैं देखो। दरवाजा खोलो, जाओ बैठ जाइए। You are Sachin. NYPD, right? Yeah. Sir, please come. You found the place easily? Come on. लीजिए सर, लीजिए खाइए। वो क्या है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हूँ। आई डोंट ईट स्वीट्स टू मच। वाह क्या बात है। लगता है थोड़ी उम्र ज्यादा है। क्यों? इतना ही नहीं, बैक फ्लैट है और फ्रंट फैट है। सर ये शुगर फ्री से बना है, आपके लिए खास बनाया है सर, खा के तो देखिए। आपकी वजह से मेरा वजन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। अरे क्या मैं एक बार उनसे मिल सकता हूँ? इनकी उम्र तो ज्यादा लग रही है। हाँ माँ जी, आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। क्या है ना, ड्यूटी कम्स फर्स्ट, तो जरा उन्हें बुलवा दीजिए ना। अरे अभी बुला लेते हैं। प्रमिला कॉफी लेके आना जरा। कॉफी? कॉफी बिल्कुल नहीं, अभी स्वीट खाया नहीं होगा। अगर थोड़ा सा पी के देखिएगा। जरा पेट तो देखो इनका, बॉडी से बाहर निकल रहा है। आ गई आ गई। आओ प्रमिला, कॉफी लीजिए ना, कॉफी दे। थैंक यू, यू आर वेलकम। वो तो पहले ही हो चुका है। लड़का बड़ी कॉमेडी करता है ना। अच्छी कॉमेडी करता है, अपने साथ अच्छी जमेगी इसकी। कॉमेडियन? क्या लड़की पसंद आई आपको? इज शी ओके? हाँ बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आपके माता पिता क्या करते हैं? हाँ माता पिता तो है, लेकिन फ्रेम में एडजस्ट हो चुके हैं, पर अभी दीवार पर नहीं लटके। बहुत अच्छी बात है, अगर वो भी आते तो यही रिश्ता पक्का हो जाता। अब इतनी छोटी सी बात के लिए वो यहाँ क्यों आएंगे? उन्हें वहीं रहने दीजिए। बाथरूम कहाँ है जरा बताएंगे? क्यों? मेरी बेटी को बाथरूम में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दिखाएंगे क्या? बाथरूम में मुझे जल्दी काम निपटाना है, कहीं और भी जाना है। मैं? मल्लिका बाथरूम में? मल्लिका बाथरूम में? तो प्रॉब्लम क्या है? आप बाथरूम दिखाइए, मैं अपना काम खत्म करके चला जाऊंगा। आप ऐसे घूर क्यों रही है? क्या हुआ, कुछ गलत कहा? व्हाट हैपेंड? तुझे बाथरूम तक क्यों? जी हाँ, यहीं पर दिखा दे ना। अरे रुकिए ना। यहाँ आते जो आप लोगों ने इज्जत दी थी, मैं समझ गया था कि आप ये सब खिला करके मेरी इज्जत उतारने वाले हो। बिगनिंग वॉज साइलेंट बट एंडिंग इज वायलेंट। आप ही मुझे एक बात बताओ मैडम, अगर घर पर प्लम्बर आएगा तो वो बाथरूम में जाकर नहीं देखेगा तो क्या बेडरूम में जाकर देखेगा? ये कहाँ का इंसाफ है? NYPD कहा? इसका मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं हो? पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, प्लम्बिंग, प्लम्बिंग डिपार्टमेंट। मैं भी गलत रूम में घुस आया था। विकी तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? क्यों क्यों मतलब प्लम्बर या कारपेंटर तुम्हें लगता है कि कोई भी चलेगा? मेरा गला काट कर तुम आराम से जीना चाहते हो है ना? अब क्या हुआ? सचिन पुलिस वाला नहीं प्लम्बर है। वो प्लम्बर है? यस। ओ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई होगी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके यस प्लीज डू। प्लम्बर, इट्स अ प्रॉब्लम। हाय विकी। हाय सचिन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? थैंक्स। सिट सिट, टू कैपुचिनो प्लीज। आई एम सो सॉरी विकी, आई गॉट हेल्ड अप विद लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, आई कुडंट मीट हर। नो प्रॉब्लम मैन। In fact, Pramila should be here any minute. Really? Generally, वो बहुत ही punctual है। Uh-huh. That's good. वो लग रहा है कहीं पर traffic में फंसी होगी। Anyway, Pramila कितनी अच्छी लड़की है पता है?
मुझे तो सच में वो बहुत पसंद है। उसकी फैमिली बहुत ही कल्चरल है, वेरी ट्रेडिशनल। इनफैक्ट जब मैं उससे पहली बार मिला था ना, तो आई वॉज टोटली शॉक्ड। न्यूयॉर्क में ऐसी लड़की होना तो मुमकिन ही नहीं है। रियली रियली इंटरेस्टिंग। तुम्हें एक और बात बताता हूँ, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी जरा सा भी ईगो नहीं है, और किसी पर डिपेंड रहना उसे जरा भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैंने ही उसे दो बार इंटरव्यू के लिए ड्रॉप किया है। पहले तो वो बहुत ही डरती थी, लेकिन मुझसे मिलने के बाद उसका डर पूरी तरह निकल गया। उसके बाद मैं ही उसे एडवेंचर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए लेकर गया था, एंड गेस व्हाट, वहां पर भी हम दोनों ही विनर थे। तुम उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो ना? यस, वही प्रमिला। सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है, एक्सट्रीमली फ्रेंडली एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, गुड एट हार्ट। वो प्रमिला द चैंपियन, वही ना जिसे तूने उस कॉम्पिटिशन में किस किया था? इंटरनेट, न्यूज़पेपर, हगिंग, किसिंग, लाइव टेलीकास्ट। बट यू आर राइट विकी, फ्रेंड्स कहकर लड़की के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना हर लड़का चाहता है, पर कोई भी कल्चरल फैमिली ये होने देगी मुझे डाउट है। बट यू नो व्हाट, शी इज गॉट अ गुड टेस्ट, दैट्स व्हाई शी इज चोजन यू। सचिन, विकी, अगर सबके सामने तो उस लड़की को किस कर सकता है, तो पीठ पीछे उसके साथ क्या क्या किया होगा? हाँ व्हाट विकी, खाने का मजा तुमने लिया और बिल मुझसे भरवाना चाहते हो? ओके, बिल मैं भर दूंगा, इफ यू डोंट माइंड। एक सुपर आइडिया है, एक बार मुझे भी चख लेने दे। थैंक यू, मैं भी तो देखूं जायका बचा है या नहीं, क्या कहता है? बोलना हम 3 साल में सीखते हैं, लेकिन कैसे बोलना है ये सीखने के लिए पूरी लाइफ लग जाती है। एक बात जान ले, बात ऐसी करो कि दिल को छू जाए, ना कि खून खोल जाए, स्पेशली जब लड़की की बात हो। चलो प्रमिला चलते हैं। दादा, ये बता, तू प्रमिला के लिए लड़का ढूंढ रहा है क्या? उस वजह से मुझे एक बात पता चली, मेरी वजह से, मेरी फ्रेंडशिप की वजह से प्रमिला की लाइफ, उसका कैरेक्टर पूरा बर्बाद हो गया है। तो फिर अभी तू करना क्या चाहता है? प्रमिला की शादी की बात को मैंने एक मजाक समझ के लिया था, अभी आगे से बहुत ही सीरियसली लेना होगा। मतलब आईसीयू में सोचेगा क्या? आप कौन है? कुमार स्वामी। आपका कैरेक्टर क्या है? मैं तो कभी कभी बात करने वालों में से हूँ। अब इस तरह से बात को गलत तरीके से मत कहिए। ओके दादा, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है तो बता दीजिए। सिर्फ अच्छा ही नहीं है, बहुत अच्छा है। मालूम है वो लड़का मेरी नजरों में क्या है? गोल्ड है, गोल्ड। लक्ष्मी गोल्ड है या साई गोल्ड है या फिर कल्याण गोल्ड? कोई नहीं, मालाबार गोल्ड। ओ प्लीज, कौन है वो? तू ही तो है। दादा, प्रमिला डायमंड है, इसीलिए तो गोल्ड में नगीना लगाने के लिए कह रहा हूँ। ले देकर मैंने भी आप ही को बताया। इसे ना तो प्यार क्या है ये मालूम है, और ना ही उसकी कीमत मालूम है। दादा प्लीज, दादी बुला रही है, चाहिए चाहिए। क्या जाता हूं। प्रमिला? अशोक! ओह माय गॉड अशोक, व्हाट अ सरप्राइज! ओह माय गॉड प्रमिला, तुम न्यूयॉर्क में? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?